हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है करो हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक नई नई न्यूज़ निकल कर आई है। आप जो भी वैलिडिटी या जो भी आप एक मंथली रिचार्ज करवाते हो, सिम हर कोई भी कंपनी हो गई यार, उसका जो भी रिचार्ज कर दो, आपको वैलिडिटी मिलती है 28 दिन की। अब ट्राई ने फटकार मारते हुए इन सभी कंपनी को कहा कि आप इतनी कीमत बढ़ा रहे हो और साथ ही वैलिडिटी भी घटाते जा रहे हो। लेकिन अब ट्राई ने कहा कि ये सब गलत है और कंपनी को कहा है कि आपको ये 30 दिन की वैलिडिटी रखनी होगी। मान लो आप जो मंथली रिचार्ज करते हो 28 दिन का मिलता, अब आपको वो 30 दिन का मिलेगा जल्दी ही, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। और जो ट्राई है, ट्राई ने इन सभी को 60 दिन का टाइम दिया है कि भाई 60 दिन के अंदर आप ये सब सब कुछ करें और 28 दिन का प्लान मिलता है ग्राहक को, उसको 30 दिन का कर दिया जाए, यानी वैलिडिटी हो जाएगी 30 दिन की। तो ट्राई ने कहा कि जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, इनको कम से कम एक ऐसा मतलब स्पेशल रिचार्ज और एक टैरिफ प्लान वाउचर और कॉम्बो वाउचर लेकर आना चाहिए, ये जिसके लिए ग्राहक मतलब चूज़ कर सके यार, स्पेशल ऑफर हो और 30 दिन की वैलिडिटी मिलती हो, ये सब इनको करना होगा। अब ये कंपनियां, अब इनको 60 दिन का टाइम दिया गया है और 60 दिन के अंदर ये इनको जवाब देना होगा ट्राई को कि आपको ये करना है या नहीं करना है। जो नहीं करेगा यार, वो ट्राई फटकार मारेगा। तो ग्राहकों की ये भी शिकायत है कि जो प्राइज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वैलिडिटी घटती जा रही है। इसको देखकर ट्राई ने कहा है कि ग्राहक साल में एक करीबन 13 बार रिचार्ज करते हैं, ऐसा तो कुछ करो कि भाई साल में वो करीबन 12 बारी रिचार्ज करवा सकें, लेकिन अब उनको 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो अब ट्राई ने 60 दिन की मोहलत दी है इन कंपनियों को, जो भी एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो भी सभी कंपनियां हैं, इन सभी को दी है मोहलत 60 दिन की। ये आने वाले समय में ये कंपनियां 30 दिन की वैलिडिटी करेगी ही, ट्राई ने कहा तो करेगी ही। तो देखते हैं कब तक ये प्लान लागू होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।